देगा ही, लेकिन उससे पहले हम गोकुलधामवासी इन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर, जिसे सुनकर कोई भी इंसान किसी भी लड़की की छेड़छाड़ करने का सपने में भी ना सोच सके। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी है और हम लोग चाहते हैं कि ये लोग कल का सूरज लोकअप में नहीं कहीं और देखें। चलो जल्दी। Come fast. What happened? देखो आप लोग, आप लोग इनसे दूर खड़े रहिए। चलो क्या बात कर रहे, चलो चलो आज उठो, चलो उधर जाओ, साइड में चलो, चलो 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 उधर खड़े रहो। चलो क्या किया मेरे बेटे ने, क्यों हथकड़ी पहनाई इसको? आपने हमारे सन को क्यों अरेस्ट किया? ये हमारे बच्चों को क्यों पकड़ा इन लोगों ने? अब सबको बताऊंगी कि इनके हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है, क्योंकि आपके इन बेटों ने किसी की बहन के साथ छेड़छाड़ की है, आपके इन बेटों ने किसी की बेटी के साथ बदसलूकी की है, आपके इन बेटों ने एक औरत के सम्मान और औरत की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर किसी ने फंसाया है। हमारे बेटे तो रात रात भर जाकर परीक्षा की पढ़ाई की तैयारी करते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ाई भी करते हैं? जैसी हरकत इन लोगों ने की है वैसी हरकत तो अनपढ़ लोग भी नहीं करते। अरे काय की पढ़ाई, जाहिल है ये लोग। सही बात है। आप कहना क्या चाहते हो? देखिए आप हमारे बच्चों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए आपके बेटों ने जो हरकत की है ना, उसका प्रूफ है हमारे पास। हम लोगों ने इनको रंगे हाथ पकड़ा है, और अगर आपको यकीन ना आता हो तो पूछिए अपने बच्चों को कि आधी रात को वो कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पूछिए पूछिए। बेटा दीपक, ये सब क्या है? तुम सब तो रात रात भर पढ़ाई करते थे ना? ये सब तुम पे इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या बोलेंगे अभी? बोला बोला तो असलम, असलम तुम्हें खुदा का वास्ता, सच सच बता, नहीं माजरा क्या है?
स्पीक अप सन, स्पीक अप। ये सब क्या हो रहा है? टेल मी द ट्रूथ। हम लोग ने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया कि तू किसी की बहू बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे। तूने आज ऐसी घिनौनी हरकत करके अपने माँ के मुंह पे चाटा मारा है। कल को अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसी छेड़खानी करता तो तुम्हें अच्छा लगता? तो? अरे बचपन से क्या यही सीख दी थी हमने तुझे? दीपक, ये क्या किया तूने? तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें कानून जरूर देगा, लेकिन उससे पहले हम लोग तुम्हें सजा देंगे। हमारी गलती की सजा आप क्यों भुगत रहे हो माँ? नहीं माँ, माँ नहीं। ऐसा मत कीजिए पापा, मत करो पापा, पापा ऐसा मत कीजिए पापा, हमें सजा दीजिए पापा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए पापा, पापा। आपके बेटों ने सिर्फ आपके परिवार का ही नहीं पूरे समाज का मुंह काला किया है और हम भी समाज का एक हिस्सा है। Me
हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अब माफी मांगने का क्या फायदा है? देख लो तुम लोगों की हरकत की वजह से तुम्हारे परिवार का नहीं सारे समाज का और सारे देश का मुंह काला हो रहा है। क्योंकि तुम समाज के गुनेगार हो, इंसानियत के गुनेगार हो और इस देश के भी गुनेगार हो। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। सावन कदम, ले चलो ने, चलो, चलो, चल, चलो, 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 अरे दया चाय ला। ना लिया जेठिया? हाँ बाबूजी। जेठिया ये मिशन साफ सफाई में तूने बहू का साथ देकर बहुत अच्छा काम किया। बाबूजी सब आपके संस्कार का असर है। हाँ। चाय। आप। हाँ, बाबूजी आपको चाय दूँ? नहीं बहू, बहू सच में आज मुझे तुझ पे भी बहुत गर्व हो रहा है। तूने जिस हिम्मत और बहादुरी से उस बिचारी अकेली अनजान लड़की को अपने पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो तैयार किया वो दाद देने जैसी बात है। थैंक यू बापूजी, पर एक नारी होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि उस पीड़ित लड़की को मैं हौसला दूं, हिम्मत दूं और उसके डरे हुए आत्मसम्मान को अपमान के विरुद्ध लड़ने के लिए जगाऊं। सच में दया कि तूने हिम्मत की और तेरी हिम्मत को देख कर हम सब में हिम्मत आई। और तो और बाबूजी हमारी हिम्मत और सच्चाई को देख के वो लड़कों के माँ बाप और भारत नगर वालों में भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत आ गई, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। बोलो। ऐसा हाँ। ही होता है जेठिया, जब कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता है तो फिर उसके साथ दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, फिर उसका परिवार उसके साथ जुड़ता है, फिर और परिवार, समाज और फिर धीरे धीरे पूरा देश उस अभियान में जुड़ जाता है। समाज में बदलाव और क्रांति की शुरुआत ऐसे ही होती है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। और बहू ने मिशन साफ सफाई का अभियान चलाकर उन लड़कों को जो अनोखी शिक्षा दी है उससे तू देखना हमारे समाज के उन सभी आपराधिक मानसिकता वाले और सामाजिक तत्वों को बहुत ही अच्छा संदेश मिलेगा। बापूजी मैं तो कहता हूँ अगर हमारे देश में सब लोग अपने अपने एरिया में यह मिशन साफ सफाई का झाड़ू घुमाए ना तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश में कहीं भी किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी का हादसा नहीं होगा। बराबर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के कोने कोने में हर स्त्री का सम्मान हो, सभी लोग औरतों की इज्जत करें। टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने में तुम चाहे अकेले क्यों न हो हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और अड़ग होकर चलते रहना चाहिए क्योंकि सच्चाई और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वालों के साथ हमेशा भगवान के आशीर्वाद होता है।
और जहाँ सच्चाई की रोशनी होती है वहाँ बुराई का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। वाह, तेरी माँ की बातों में बहुत रोशनी होती है। माँ तो माँ है, माँ की बातों में रोशनी का भंडार है। वो तो है। अच्छा जेठिया, ये शनिवार को तू क्या कर रहा है? बस रोज की तरह देर से उठूंगा। अरे क्या देर से उठूंगा? जल्दी उठूंगा, चाय नाश्ता करूंगा, दुकान जाऊंगा और फिर धरती नो छेड़ो घर, शाम को घर वापस आ जाऊंगा। पर आप अचानक मेरा टाइम टेबल क्यों पूछ रहे हैं बापूजी? वो जेठिया, अभी मुंबई में एक नाटक चल रहा है भामाशाह, ये देख। हाँ, ये जहर खबर देखी मैंने बापूजी। हाँ, तो ये भामाशाह नाटक मुझे देखना है। अरे अचानक नाटक देखने का मन हो गया बापूजी? अरे भामाशाह पे नाटक है जेठिया, तुझे पता है भामाशाह कौन थे? अरे पता है कि नहीं पता है? नहीं पता बापूजी। अच्छा जेठिया, महाराणा प्रताप के जमाने में भामाशाह हमारे जैन समाज के बहुत बड़े व्यापारी थे। जैन समाज के व्यापारी थे, उन पर नाटक है? हाँ, तो तुझे पता है जेठिया, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ राज्य और हमारे देश को बचाने के लिए भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को चढ़ावे के तौर पर दान कर दी थी, और उस जमाने में उस संपत्ति की कीमत तकरीबन 100 करोड़ थी। ओहो, क्या बात कर रहे हैं बापूजी, उस जमाने में 100 करोड़? हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। अरे इसीलिए हमें ये नाटक देखना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारे जैन समाज में भामाशाह जैसे ऐतिहासिक महापुरुष हो गए हैं, जिन्होंने हमारे जैन धर्म और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया था। बिल्कुल बापूजी, यह नाटक तो हम सबको देखना चाहिए। मैं अहमदाबाद माँ को फोन करके ये नाटक देखने के लिए बता देती हूँ। अरे भैया, अभी ये नाटक के सब मुंबई में हो रहे, जब ये नाटक अहमदाबाद जाएगा ना तभी फोन करके बता देना माँ को और पूरी पोल को। बराबर बापूजी, नाटक की टिकट मैं बुक करवा देता हूँ। ठीक है, चल। किधर? अरे मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आता मैं भी बस दुकान निकल ही रहा हूँ बापूजी। तो चल। आप चलिए, वो रुमाल पॉकेट में लेके निकलता हूँ फिर। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, आपने झूठ क्यों बोला? बाकी का रुमाल तो आपके पास ही है। मेरी झांसी की रानी बापूजी को झांसा देने के लिए झूठ बोला। अच्छा, तो इस झांसी के पीछे आपका कौन सा झांसा है? अरे मेरी अहमदाबादी हिरणी झांसा एकदम नेक है। मित्रों, किसी भी चीज का विरोध प्रदर्शन किसी खास तरीके से हो ये जरूरी नहीं है, और आज गोकुलधाम के निवासियों ने यह बता भी दिया। हंसते हंसाते महिलाओं से हो रही छेड़छाड़ के विरोध में उन्होंने जो तरीका अपनाया वो निश्चित तौर पे अलग था, और यही गोकुलधाम के निवासी हमेशा करते भी हैं, और यही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की चेष्टा भी है कि हर समस्या का हल हम हंसते हंसाते करते हैं। और वैसे कहा भी जाता है ना कि जिंदगी की हर समस्या का समाधान हंसी में छिपा हुआ है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी एक ऐसी दवाई है जिससे जिंदगी की कड़वी से कड़वी सच्चाई आप इस तरह से हजम कर सकते हैं जैसे हलवा। और यहाँ गोकुलधाम की हर चीज में हंसी और ठहाकों का विटामिन होता है जिसे आप लेते रहते हैं। और मित्रों, अब तो दुनिया भर के डॉक्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी तनाव हो और कोई भी समस्या हो, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।